बंधुगण थंडा काश कफ बहुत अधिक जंत्रणा देथाय आखिरो पानी गड़ी थाए नाकरो पानी गड़ी थाए बहुत अधिक काश होइथाय इरिटेटिंग लागी थाए सेतिपाय आपण अनेक प्रकार औषधर मध्ये सेवन करिथांती। आज मु आपणक पई एमिते एक सहज घरै उपचार नै आसीछि जहार सेवन करि आपण निजर थंडा काश एवं कफ भळि समस्या को संपूर्ण दूर करि परिबे। बंधुगण मन रखंतु थंडा काश किबा कफ आरंभ हेबा खेणी आपण एही सब रेमेडी को ट्राई करंतु बा प्रयोग करंतु देखिबे तुरंत आपणक थंडा काश कफ भळि समस्या भल होइ जिवो। जदि आपण ताहाकु बढ़िबाकु देबे किंबा कोनोसी भी एलोपैथिक मेडिसिन रो सेवन करिबे तेबे ताहा आहुरी अधिक बढ़ि जिवो एवं आपणक बहुत अधिक जंत्रणा देबो। तेबे समय विलोपन करि आसंतु जानिबा आजिर एही सब घरै उपचार को आपण केमिति बनेबे एवं निजर कोल्ड एंड कफ भळि समस्या को दूर करिया पई आपण एहार प्रयोग किपरि करिबे। किंतु ता पूर्व मु आपण मानक कहि रखबि जदि आपण माने जे आम चैनल को सब्सक्राइब करनाते तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करि आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखता नोटिफिकेशन बेल उपर निहाते क्लिक करंतु। एहा द्वारा आमे जो नूतन वीडियो अपलोड करू ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं आम चैनल माध्यम पर बहु किछि सिखने जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। बंधुगण प्रथम रेमेडी को बनवा पाए आपण एक पेन प्रथमे गैस रे बसांतु एवं सेथिरे एक लिटर पाखापाखी पानी नियंतु। बंधुगण यह संपूर्ण प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक घरै उपचार अटे जहां आपणकर कफ एंड कोल्ड भली समस्या को दूर करने पाए बहुत अधिक चमत्कारी होता है। प्रथमे आपण एक लिटर पानी एक पात्र रे बसांतु एवं ताहाको अल्प गरम हेबा पाए दियंतु। तापर बंधुगण एथिपाय आपणको प्रथम सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे पानपत्र। बंधुगण पानपत्र आपणको सहजरो मार्केट रु किमा आपणको घरु मिलि जिवो। दुईटी पानपत्र आपणको एथिपाय आवश्यकता पड़िबो। प्रथमे आपण पानपत्र को भलो भाबरे धोई दियंतु तापर आपण दुईटी जक पानपत्र को एमिति छोटो छोटो पीस रे छिडै एही पानी रे पकांतु। एबे बंधुगण आपणको एथिपाय द्वितीय सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे तुलसी पत्र। तुलसी पत्र आपण बाड़ी घर कि आखपाखर बहुत सहजे मिल जाठार 10-20 तुलसी पत्र को यही पाने पकई दिंतु। पाने के तुलसी पत्र को पकवा पूर्व आपड़ तुलसी पत्र को भल भाव में धोई दिंतु। एवं बंधुगण आपण को एथपाई तृतीय सामग्री आवश्यकता पड़े ताटे गोलमरीच। गोलमरीच आपण रोसई घर कि ग्रोसरी स्टोर रु बहुत सहजे मिल जाव। प्रथम आपण 10-15 गोलमरीच निवंतु गुंड कर दिंतु। गुंड कर पकई दिंतु। बंधुगण एथपाई आपण को तृतीय एवं शेष सामग्री आवश्यकता पड़े ताहटे ड्राई जिंजर पाउडर बा सुखिला अदार गुंड। सुखिला अदा जहाँ को आम शुठी कही था आपण को कौनसी भी ग्रोसरी स्टोर रु बहुत सहजे मिल जाक प्रथम किणतु ग्राइंडिंग कर छाणी एमती गुंड प्रस्तुत करूँ। आज रेमेडी आम एक चामच पखापाखि ड्राई जिंजर पाउडर प्रयोग करवा। चारोटी सामग्री को एथिरे भल भाव पकाई यह भल भाव मिक्स कर दिंतु एवं पानी को 10 मिनिट पर्यंत भल भाव फुटातु। बंधुगण यही समस्त इंग्रेडिएंट्स रे एंटीबॉडीज एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल एवं अनेक प्रकार पोषक तत्व मिलता है जहाँ आपणकर कफ एंड कोल्ड भाई समस्या को दूर करने बहुत अधिक चमत्कारी होता है। आज काढ़ा को बनई पी नि देखिए आपणकर कफ एंड कोल्ड भाई समस्या संपूर्ण दूर हो। बंधुगण यह जदि आप मीठा करने को चाहती तेज आपमती एक छोट खंड गुड़ प्रयोग करें। बंधुगण आपण यह 10 मिनिट पर्यंत भल भाव फुटातु। देखो बंधुगण यह 10 मिनिट भल भाव फुटेला काढ़ा बनी प्रस्तुत। एवं आपड़ गैस बंद कर दिंतु यह अल्प थंडा होगा दिंतु। तापर बंधुगण आपण एक ग्लास को यह छाणी नियंतु। कोल्ड एंड कफ भाई समस्या को दूर करने आपणकर आयुर्वेदिक काढ़ा बनी प्रस्तुत। एवं जान नियंतु आपण यार सेवन किपर करेंगे दिन को 2-3 थर आपण यार सेवन करूँ एवं सिप बाय सिप जमी आप चा पिंती ठीक से हीपरि यार सेवन करूँ। कितु ध्यान रखिए यह संपूर्ण थंडा कर यार सेवन करेंगे ना यह गरम गरम ही आपन को सेवन करने को। बंधुगण थंडा काश व कोल्ड एंड कफ भाई समस्या को दूर करने यार प्रयोग बहु पुरातन कालर हो जदि आपंक नाकु पा गड़ू आपण आखि पा गड़ू बहुत अधिक मुंड बिंधुच इरीटेसन लगुच काश हो थ्रोट इनफेक्शन हो गला काशी काशी एमती परिस्थिति में आपण यही काढ़ा को बनई यार सेवन करूँ देखिए आपको 100% रिजल्ट मिल। तेज बंधुगण एवं चलत जाना द्वितीय होम रेमेडी विषय में। द्वितीय होम रेमेडी को बनवा बहुत सहज अटे ए प्रथम आप एक चामच हनी एक पात्र को नियंतु। हनी जहाँ आपणकर काश भाई समस्या को दूर करने बहुत अधिक चमत्कारी होता है जदि आपणकर थ्रोट इनफेक्शन हो जाए दूर करें। बंधुगण आपण को एथपाई अल्प किसी बुंदा अदा रस आवश्यकता पड़े आपण ए 5-10 बुंदा अदा रस मिशात ताठ अधिक आपड़ एदा रस प्रयोग करूँ ना।
एबे बंधुगण एथिपाई आपनकु तृतीय एवं शेष सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहाटे चिमुटाए हळदी गुंड आपण चिमुटाए हळदी गुंड एथरे मिसांतु एवं एही समस्त सामग्री को भलो भाबरे मिक्स कर दियंतु। बंधुगण एहा आपनकर थंडा कासो एवं कफबळी समस्या को दूर करबा सहित आपनको गळा बा आपनको थ्रोट जे इन्फेक्शन होई जायछि बा कासी कासी आपनको गळा छेली होई गलाणी किबा जदी आपनको बहुत अधिक सुखला कासो किबा अन्य कोनोसी प्रकारर कासो हेउछि ताको दूर करथाय। बंधुगण एहा मध्ये बनेबा बहुत सहज अटे एहाको थरे बने आपन ट्राय करंतु देखिबे आपनकर कासो एवं कफबळी समस्या संपूर्ण दूर होई जिवो। कोल्ड कारणरो आपनको नाक एवं गळा जदी बसी जायछि एहा ताको मध्ये क्लियर करिवो। बंधुगण एहा मध्ये बहु पुरातन एवं बहु चमत्कारी घरोइ उपचार अटे आपनकर कोल्ड एंड कफ भळी समस्या दूर करिया पय आपन एहाको निहाती थरे बने ट्राय करंतु देखिबे आपनको एथिरो मध्ये 100% आराम मिलिवो। एबे जानि नियंतु तृतीय होम रेमेडीटी विषय रे जहा अटे सॉल्ट वाटर गार्गलिंग। बंधुगण आयुर्वेद रे लूनो पानी गार्गलिंग कोल्ड एंड कफ भळी समस्या को दूर करिया पय एक रामबाण घरोइ उपचार अटे। प्रथमे आपन एक ग्लास नॉर्मल पानी नियंतु एवं ताहा हल्का गरम होइ गला परे आपन सेतिरे अल्प लूनो पकांतु एबे आपण एहाको फोटांतु। बंधुगण आपण चाहिले एथिरे चिमुटा हळदी गुंड मध्ये मिसै पारिबे। हळदीरे आंटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज आहुरि अनेक प्रकारर पोषक तत्व मिळथाय जहा आपणकर गळा संक्रमण बा कफ भळी समस्या दूर करिया पय बहुत अधिक चमत्कारी होइथाय। चिमुटा हळदी गुंड आपण एथिरे मिसै दियंतु एवं एही पाणी को मात्र 3-4 मिनिट गरम करंतु तापरे एहाको एक ग्लास को ढाळी नियंतु। एहाको गार्गलिंग करिया पूर्वरो आपणकर कानी आंगुळी को एथिरे बुडाई देखिबे जदि आपणको कानी आंगुळी सोहा पाणी एहा होइतिबो तेबे जाय आपण एथिरे गार्गलिंग करंतु। दिनकु 2-3 थर एथिरे गार्गलिंग करंतु देखिबे आपणको गळा जदि बसी जायछि किबा जदि कासी कासी आपणको गळा छेली होइ गलाणी एवं थंडा कारण बहुत अधिक कासी होउछि छाती पटा कासो होउछि तेबे आपण एहाको निहाति थरे बने ट्राय करंतु देखिबे आपणकर कासो भळी समस्या तुरंत दूर होइ जिवो। बंधुगण एहा आपणकर नाक एवं गळा को संपूर्ण भावे सफा करि देबो एवं आपण ठीक से कथा कहि परिबे आपणको गळा जदि बसि जायछि ताहा मध्ये क्लियर होइ जिवो एवं आपणको जदि बहुत अधिक कास होउछि सेथरो मध्ये आराम मिलिबो। एहाको मध्ये आपण निहाति थरे ट्राय करि देखंतु देखिबे आपणको 100% रिजल्ट मिलिबो। तेबे बंधुगण आजि मु आपणको 3 प्रकार होम रेमेडी बनेबा सिखैली जहार प्रयोग करि आपण निजर कफ एंड कोल्ड भळी समस्या को दूर करि परिबे। किंतु आउ किछि कथा रे आपणको निहाति ध्यान रखिबा को पड़िबो जेउ कारण रो आपणको थंडा होउछि ताहाको मध्ये आपणको दूर करिबा को पड़िबो। प्रथमतः डायरेक्ट फैन आगे आपण केबे बसंतु नाही। कोल्ड किबा थंडा जत कोनसी भी खाद्य पदार्थर सेवन करंतु नाही। रात्रि सोइबा पूर्वर आपणको मथारे कैप लगाई सोंतु जदि आपणको थंडा होई अछि तबे आपणको मथारे कैप लगाई सोंतु। जदि आपणको नाकरु आखिरु पानी गडु अछि किबा बहुत अधिक आपणको थंडा होई जाइछि जदि आपण बाइक चले कुआडे जाउछन्ति तबे हेलमेट रो प्रयोग निहाती करंतु कारण आपणको कानरे पवन लागिबा द्वारा आपणको थंडा बढी जाय पारे। ता छडा बंधुगण जदि आपण मुंड धोई गाधुथांति तबे ध्यान रखिबे आपणको केश जेमिति संपूर्ण सुखिला हबो सुखिला टावल आपणको केश को पछंतु जेमिति आपणको केश भलो भाबरे ड्राई होई जिवो। ता छडा बंधुगण एक ग्लास गरम पानी प्रत्येक 1 घंटा थरे निहाती सेवन करंतु जहा आपणको शरीररु टॉक्सिन्स को बाहर को बाहर कर दबो एवं थंडा कासरो आपणको तुरंत आराम मिलिबो। तेबे बंधुगण आशा करछि आजिर ए सुंदर भिडियो आपणको निहाती भल लागतिबो। जदि आजिर ए भिडियो आपणको टिके भल लागता तबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार भिडियो देखे पाए हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पूर्ण देखा हबो को नूतन सुंदर अध्याय स धन्यवाद।